हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो पर। जैसा कि दोस्तों आप सबके लिए हमेशा एडवेंचर वीडियो हम लाते रहते हैं, कुछ टूरिंग वीडियो। आज खास करके आप सबके लिए एक हिस्ट्रिकल वाले जो महाराजा का महल दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं हूँ कूचबिहार राजबाड़ी, जो कूचबिहार सिटी और कूचबिहार डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है और वेस्ट बंगाल स्टेट का है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आज मैं जो कुछ भी बताऊँगा बता था और जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, तो इसी को बताने के लिए दोस्तों आप वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों फिलहाल हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि कूचबिहार राजबाड़ी, जो महाराजा नृपेंद्र नारायण राजबाड़ी का निर्माण किया था और उसे कूचबिहार पैलेस का नाम से भी जाना जाते हैं, और उसे सन 1887 में बनाया था और उनका पिताजी का नाम था महाराजा नरेंद्र नारायण, जिसने शासन किया सन 1841 से लेके 1863 तक। और ख़ास बात है दोस्तों, जैसा कि महाराजा नरेंद्र नारायण उनका अंकल ने एडॉप्ट किया था, उनका नाम था शिवेंद्र नारायण, जब उनके बेटे का देहांत हुआ था। तो दोस्तों जैसा कि कुछ दिन का बाद उनका अंकल शिवेंद्र नारायण का भी देहांत हो गया। उसके बाद नरेंद्र नारायण का राजपाट संभालने का बारी आया, पर देखते थे कि उनका उम्र बहुत कम था। उस समय शासन और राजपाट संभालने के लिए वो छोटे थे। जैसे कि दोस्तों महाराजा नरेंद्र नारायण का दो पुत्र थे, एक का नाम था नृपेंद्र नारायण और दूसरे का नाम था जितेंद्र नारायण। जब उनके पिता महाराजा नरेंद्र नारायण का देहांत हो गया सन 1863 में, उनके बड़े बेटे नृपेंद्र नारायण राजपाट को संभालने लगे। उनके उम्र थोड़ा कम था, जब वो बड़े हो गए तब वो शासन पर उतरे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में महाराजा नृपेंद्र नारायण के बारे में बताया था, वही बात अभी फिर से दोहरा रहा हूँ। क्योंकि तो जैसा कि महाराजा नृपेंद्र नारायण का विवाह श्रीमती सुनीति देवी का साथ हुआ था सन 1878 में। उसके बाद उन्होंने कूचबिहार पैलेस, जिसको हम अभी राजबाड़ी के नाम से जाना जाता है, तो उसे बनाया है सन 1878 में। तो दोस्तों जैसा साल बाद उनके दो बच्चे हुए, उनका नाम था राजेंद्र नारायण और जितेंद्र नारायण, जो आखिरी महाराजा थे कूचबिहार राजबाड़ी के, जो कूचबिहार पैलेस के नाम से जाना जाते। तो दोस्तों वीडियो पे आप बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मैं आगे की तरफ आप सभी को कुछ दिखाने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको जो तस्वीर
दिखा रहे हैं ये महारानी गायत्री देवी की है, जिनके विवाह मन सिंह टू बहादुर से हुए। और ये जो तस्वीर है ये महाराजा जगदीपेंद्र नारायण के साथ उनके वाइफ गीना नारायण है, और ये महाराजा जितेंद्र नारायण के तस्वीर है, और ये जो तस्वीर है महाराजा नृपेंद्र नारायण के तस्वीर है, और ये महारानी सुनीति देवी की तस्वीर है। तो दोस्तों जैसा ही निकलते हैं, निकलने के बाद जैसा कि बहुत बारिश दे रहा था और हमको जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि बारिश का वजह से इस जगह को छोड़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि वेदर भी बहुत ख़राब है। और आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और Till then, thank you, take care and bye-bye.